तो अपन इससे पार्ट ऑफ स्पीच में बात कर रहे थे नाउन की। नाउन की जो शॉर्ट डेफिनेशन थी वो यानी कि थी मेनी वर्ड्स, जिसका भी नाम होता है उसे अपन नाउन कहते हैं। आगे इसकी थोड़ी सी अपन बड़ी यदि थोड़ी एक्सपेंडेड यदि डेफिनेशन देखें तो इस प्रकार से है, ए नाउन इज ए वर्ड यूज फॉर नेमिंग सम पर्सन प्लेस और थिंग्स। वही डेफिनेशन है जो हिंदी में काम में आती है कि ऐसे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का पता चले। तो जब अपने को इसकी डेफिनेशन पता चल गई कि भई ये किसी पर्सन का, किसी प्लेस का या किसी थिंग्स का नाम इंडिकेट करता है तो वो नाउन कहलाता है। तो यहां पर अपन बात करें तो नाउन की यहां पर पांच अलग अलग डेफिनेशन आपके सामने मिलेगी, क्योंकि इस नाउन की यहां पर अपने पांच पार्ट कर रखे हैं, जिनमें सबसे पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा हिंदी में भी है और अपने इंग्लिश की इस ग्रामर में भी प्रॉपर नाउन का एक सेक्शन है। दूसरे की बात करें तो आता है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। फिर तीसरा कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक। चौथा मेटीरियल नाउन, पदार्थवाचक। और पांचवा यदि बात करें इसका जो भाग है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो यहां पर संज्ञा की यदि भेद देखें तो हिंदी की तुलना में यहां पर दो भेद अपने को एक्स्ट्रा मिलते हैं, अतिरिक्त मिलते हैं। हिंदी में अपने को केवल तीन संज्ञा के भेद मिलते हैं, जैसे व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है और भाववाचक है। यहां पर अपने पास दो समूहवाचक और पदार्थवाचक, यहां पर इस संख्या के जो कलेक्टिव नाउन और मेटीरियल नाउन ये दो भेद अलग मिलते हैं। अब इन भेद का अपन थोड़ा अलग विस्तार से वर्णन करते हैं। तो यदि देखें तो सबसे पहले नाम आता है प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। नाम से ही अपन इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जब अपने पास प्रॉपर नाउन शब्द लिखा हुआ है इसका मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कि डेफिनेशन देखें तो ज्यादा बड़ी नहीं है कि नेम्स ए स्पेसिफिक पर्सन प्लेस और थिंग्स ऑलवेज बिगिन विद ए कैपिटल लेटर। दो इसकी बातें यहां पर इस डेफिनेशन में बताई गई है कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वह किसी विशेष व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को इंडिकेट करता है, उनको बताता है। लेकिन इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो आपको यहां दिखेगी कि ऑलवेज बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन का जब भी वाक्य में कोई शब्द आएगा तो वह एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, यानी संज्ञा का वह रूप जो व्यक्तिवाचक संज्ञा को दर्शाता है वह शब्द यदि अपने सेंटेंस में आता है तो वह शब्द हमेशा कैपिटल अक्षर से, बड़े अक्षर से शुरू होगा। एग्जाम्पल से लिखिए, देखो राम, सीता, इंडिया, गंगा, एशिया। तो राम जैसे लिखा मिलेगा अपने को तो आर इसका कैपिटल मिलेगा, सीता यदि लिखा मिलेगा तो इसका एस है वो बड़ा मिलेगा, इंडिया यदि लिखा हुआ मिलेगा तो इसका आई बड़ा मिलेगा, गंगा यदि अपने को कहीं लिखा हुआ मिलेगा तो उसका जी बड़ा मिलेगा, एशिया यदि लिखा हुआ मिलेगा अपने को सेंटेंस में तो वहां इसका ए बड़ा मिलेगा। तो ये प्रॉपर नाउन है। इसका जो दूसरा भाग है वो है कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। यहां पर जाति का मतलब किसी कास्ट से नहीं है कि इसकी जाति ये, इसकी जाति है। यहां पर उसको एक स्पेसिफाइड क्राइटेरिया में बंद कर दिया गया है। जैसे एग्जाम्पल्स में इसकी जो डेफिनेशन है वो लिखी हुई है, ए नाउन दैट कैन बी प्रिसीडेड बाय एन इंडेफिनिट आर्टिकल एंड डिनोट्स एनी मेंबर और ऑल मेंबर्स ऑफ
जाति किसी एक विशेष समुदाय को, कम्युनिटी को यहां पर एक वर्ड में शामिल कर लिया जाता है। जैसे मानो शब्द टीचर, अब टीचर है वो एक कॉमन नाउन की जगह काम में आता है। कैसे कि राम इज ए टीचर, सीता इज ए टीचर। अब यहां पर दो अलग अलग नाउन के अपन रूप देख सकते हैं। टीचर का मतलब कोई महिला भी टीचर हो सकती है, कोई पुरुष भी टीचर हो सकता है। फिर इसके जो यदि अपने एग्जांपल देखे हैं तो यह लिखा हुआ है मेन बुक टीचर डॉक्टर बोय। एक वाक्य से यहां समझाया गया है राम से बोय हरी से बोय। यहां पर दो सब्जेक्ट अलग अलग है राम और हरी, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों बोय है, दोनों ही लड़के हैं। प्रॉपर नाउन से इसमें जो अलग चीज है वो ये कि प्रॉपर नाउन में मैंने आपको बताया इसका जो पहला जो अल्फाबेट है वो अपने को कैपिटल मिलता है, यहां पर अपने को अल्फाबेट कैपिटल नहीं मिलता। तो अपन ने इन दोनों का प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन का जो अलग अलग विश्लेषण है वो अपन ने यहां किया। अब इसका तीसरा जो रूप है कलेक्टिव नाउन उसको अपन अभी देखेंगे। तो जो कलेक्टिव नाउन है वह इसका तीसरा भाग है। इससे पहले अपन ने दो देख लिए प्रॉपर और कॉमन। तो कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक एनिम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन थिंग्स एनिमल्स यानी व्यक्तियों का वस्तुओं का या जानवरों का जो एक समूह होता है ग्रुप होता है उसको इंडिकेट करने के लिए अपन कलेक्टिव नाउन इस पार्ट ऑफ स्पीच में काम में लेते हैं। जो डेफिनेशन आपने भी देखी वही दर्शाती है कि ए नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन थिंग्स एनिमल्स एटसेट्रा। एग्जाम्पल में देखें ए बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच गुच्छा, एक अंगूर नहीं पूरा अंगूर का गुच्छा। तो ए बंच जो यहां पर लिखा गया है दैट इज द कलेक्टिव नाउन वर्ड, ये कलेक्टिव नाउन को इंडिकेट करता है। ए ज्यूरी ऑफ जजेस, अपने कोर्ट में देखा होगा पांच या सात जज मिलकर के बैठ करके किसी एक डिसीजन पर आते हैं तो वो जो डिसीजन लेने वाला जो ग्रुप है उस ग्रुप को एक ज्यूरी बोलते हैं। तो यहां पर ये जो ज्यूरी वर्ड अपने काम में लिया है दैट इज ए एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन यानी समूह को दर्शाता है, एक ग्रुप को दर्शाता है। नेक्स्ट इज द मेटीरियल नाउन, मेटीरियल पदार्थ वाचक। देखो यहां दो वर्ड हिंदी में आता है, एक पदार्थ एक पदार्थ, तो ये है पदार्थ वाचक। मेटीरियल नाम से ही पता चलता है मेटीरियल किसी प्रकार की जो चीजें होती है धातुएं होती तो वो एक प्रकार का मेटीरियल है पदार्थ है। तो इट इज द नेम ऑफ मेटल सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड ऑफ यानी एक ऐसी प्रकार का पदार्थ जिससे जो चीजें हैं वह बनी हुई है। अब यदि अपन बात करें तो यहां पर इसका जो एग्जांपल्स हैं वो है सिल्वर, सिल्वर चांदी। तो अपन किसी रिंग की बात करें दिस रिंग इज मेड ऑफ सिल्वर, तो यहां पर जो सिल्वर आया वो अपने यहां इस मेटीरियल नाउन को इंडिकेट करता है। आयरन लोहा, वुड लकड़ी, दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, तो यहां पर इस चेयर को बनाने वाला जो ग्रुप है वो क्या है वुड है। तो यहां पर ये जो शब्द वुड काम में आया ये वुड एक मेटीरियल नाउन है। और इस नाउन का जो अंतिम पार्ट है जहां पर नाउन की टाइप्स बात कर रहे थे पांच जो प्रकार थे उन पांचों में अपना अंतिम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। इट इज ए नाउन विच नेम्स एनीथिंग विच कैन नॉट बी फिल्ड बाय सेंस, एक ऐसी संज्ञा का नाम जो किसी भी चीज का यदि अपन नाम लिया उसमें भाव शामिल न हो यानी उसके भाव को छोड़ा नहीं जा सके वे जो नाम है वे नाम भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसी का जो दूसरा स्वरूप वो है इट इज द नेम ऑफ एक्शन क्वालिटी स्टेट, इसमें किसी का
कार्य का करना, उसकी जो अवस्था है विशेषता है, स्टेट यानी इसकी जो अवस्था है, एक्शन यानी जो कार्य है। इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन से अपने को किसी व्यक्ति के द्वारा की गई जो एक्टिविटीज है उनका पता चलता है, उसका जो टाइम ड्यूरेशन था, अवस्था थी, उसका इसमें पता चलता है, और इसमें उसके द्वारा कौन सा एक्शन किया गया है, कौन सा कार्य किया गया है, इन शब्दों से अपन इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचान सकते हैं। एग्जाम्पल देखें तो लिखा हुआ है गुडनेस, ऑनेस्टी, गुडनेस और ऑनेस्टी यहां पर क्वालिटीज बताते हैं, दीज क्वालिटीज, चाइल्डहुड एंड बॉयहुड या स्टेट बताते हैं या उसकी व्यक्ति की अवस्था बताते हैं, लाफ्टर या उसके द्वारा किए गए कार्य एक्शन है कि जो हंस रहा है जोर से, लाफ्टर चैलेंज जैसे अपने टीवी पर भी आता है, उसी प्रकार के जो शब्द हैं इनसे अपने को ये पता चलता है कि ये वाक्य में जो शब्द दिए गए हैं ये लाफ्टर, चाइल्डहुड, गुडनेस, ऑनेस्टी, बॉयहुड, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। तो अपन ने आज इस पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत इसके 8 प्रकारों का वर्णन देखा, सबकी छोटी डेफिनेशन और बड़ी डेफिनेशन भी देखी। सबसे पहला अपना जो टॉपिक था इसमें पार्ट ऑफ स्पीच का वो नाउन, नाउन के यहाँ पर 5 प्रकार और इन 5 प्रकार का अलग अलग से अपन ने वर्णन देखा। अगले वीडियो में अपन इसी का दूसरा भाग प्रोनाउन साथ में लेंगे, एक एडवर्ब और साथ में लेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।